अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है जी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन के इलेक्शन। इलेक्शन डे पे हम आए हैं जी, पार्किंग कहीं नहीं मिली जी, बाहर गाड़ी लगा के पैदल चल के मैं बार में जा रहा हूँ। तो लेट्स सी के क्या पोजीशन है। वह आवाज़ें आनी शुरू हो गई होंगी, आपको दिखाता हूँ जी मैं आपको। तो पार्किंग जनाब कोई नहीं है, बैरियर लगा के सारे रोड्स बंद किए हुए हैं। तो आज इलेक्शन है फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार का। देख सकते हैं जी सारा का बोर्ड है, सर जानते हुए सर। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। देख सकते हैं जी आप इलेक्शन की रौनक। अब जरा दोस्तों को कॉल कर लें। साइड पर बहुत ज्यादा लाइनें लगी हुई है, पर क्या करना है, शॉर्टकट लगाते हैं, जोड़िया शॉर्टकट लगाते हैं। बहुत ज्यादा रश है, साइड पर बहुत ज्यादा लाइनें लगी हुई है, शॉर्टकट लगाने लगे। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। मैं इधर बना, इधर बना, मेरी बनाओ, मैं वोट पाना यार, तुसी नहीं है सिद्ध पा ले। वोट हमने कास्ट कर लिया है, अब हम बाहर जा रहे हैं। राजा मेरा भाई है, अठवा चक्कर मेरे नाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है आप? तो जनाब फूड ब्लॉगिंग की बात हो, और कमर साहब हमें खाना ना खिलाए, आज तक कमर खाना खिलाए खिलाए सारे ठंडे मांग। क्या बला हो गया जो कहते हो खा देता हूँ। नया रेस्टोरेंट ट्राई कर आज बहुत ज्यादा रश हो गया, रश खीर ही होया। तैयब भाई मिल गए हैं। तैयब भाई ने हमें बताया कि मैं ऑफिस, मैंने नया लिया है, आपको ऑफिस दिखाते हैं। और इन्होंने बोला है कि हम आपको चाय भी पिलाएंगे और पिज़्ज़ा भी खिलाएंगे। तो हमारा कहीं जाने का प्लान अब हो गया कैंसिल। तो अब हम जनाब इधर डिस्ट्रिक्ट बार में ही हैं, तो यहाँ ही कुछ खाएं पिएंगे। तैयब भाई क्या हाल चाल है? वोट कास्ट कर लिया आपने? तो कैसी जा रही है कंपेन आपकी? तो यार आज रश, आज रश बहुत।
तो चलते हैं जी इनके ऑफिस। कैसा लगा आपको पहली दफा हमारे चैंबर में? जनाब माशाल्लाह आपका चैंबर बहुत खूबसूरत है, तो मैं मुझे बड़ा पसंद आया। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। तो जनाब चाय हमें मिली नहीं है, तो देखते हैं अभी चाय का अरेंजमेंट करते हैं बाद में। फिर उसके अलावा हम जनाब आज जो कुछ भी खाएंगे, क्योंकि मैं फूड व्लॉगिंग करता हूँ तो फूड व्लॉगिंग के रिलेटेड तो मैं वीडियो डालता ही रहता हूँ, तो फूड ना हो तो मजा नहीं आता जी। कमर साहब भी बैठे हैं जी, फूड का इंतजार ही कर रहे हैं कि अभी क्या खाने को आज मिलेगा। तैयब साहब देखिए आज भी क्या सर्व कर रहे हैं, तो देखते हैं जी, भी आपको दिखाते हैं। एक चीज बहुत प्यारी मुझे तैयब साहब के ऑफिस में लगी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। देखें जी, ये तैयब साहब की पिक्चर है जी, बहुत प्यारी आ रही है। ये हमारा जी कॉलेज का बड़ी है, LLB हमने इकट्ठा किया था। तो जनाब ख्याम में तैयब भाई हमें ले आए हैं, तो हम अब ख्याम में जा रहे हैं। ख्याम किला में आपका वेलकम करते हैं, फैसलाबाद का जी ख्याम किला है। वेलकम टू ख्याम फैसलाबाद। भाई मैं भी आया हूँ, भाई आप जरा थोड़ा सा उधर हूँ। जनाब मेन्यू का प्रोग्राम चेंज हो रहा है, तो देखते हैं अब क्या तैयब साहब कर रहे हैं। पिज्जा का टुकड़ा बना रहे हैं, मैंने जो पिज्जा ठहरे जो बाकी फ्रेंड्स रह गए हैं उनको आने दें, उसके बाद जो भी ऑर्डर होगा वो देंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। डाल के फिर हम सीधा आपके पास कुछ खाने के लिए आ रहे हैं, और आज के हमारे जो होस्ट हैं वो तैयब हैं, मलक तैयब साहब। मलक तैयब साहब आज क्या खिला रहे हैं? नहीं वो तो ऑर्डर किया, उसके अलावा भी मुझे वो अभी अभी बंदे दो और आ रहे हैं ना, तो फिर मे भी ऑर्डर चेंज हो जाए। चलो ठीक है। नाइजीरिया के लोग हैं, 03454। ये खाना हमारा आ चुका है, ये भी इसमें क्या है जी, व्हाइट चिकन और ये कबाब मसाला है, ये चाउमीन आ गई है। तैयब साहब बहुत शुक्रिया आज के खाने, तैयब साहब ने खाना खाया, बड़ा मजा आया, मजा आया। क्या बात हो गई थी आज, तो आज ने हमें बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री में आपको ग्रीन टी और टी दे, मैंने कहा यार एक टी कर देना बाकी चार ले लो, अभी कॉम्प्लीमेंट्री में टी हमें ग्रीन टी पिलाएगा, तो थैंक यू। तकीर बनाई भाई हमारे लिए लेमन ग्रास का वापस, इन विच कंट्री यू आर गोइंग? तो जनाब अपना उसकी एक रीजन है, वो आप लॉयर्स बन के ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। ब्लॉग में अपना ख्याल रखिएगा और बच्चों का ख्याल रखिएगा।
see you in the hospital.